कुछ तरीके थोड़े से लेंदी हैं, कुछ थोड़े से शॉर्ट हैं। लाइक अगर हम एक्सटेंशन का यूज करते हैं तो विंडोज थोड़ा सा फास्ट बनेगी। जैसे ये पहला एक्सटेंशन है लैटिस मेकर, इसमें हम ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और उनकी एजेस को एक लैटिस बना सकते हैं इस एक्सटेंशन का यूज करके। इस एक्सटेंशन और दूसरा एक्सटेंशन है प्रोफाइल बिल्डर, हम सेलेक्ट करते हैं पूरे ग्रुप को और इसमें जो भी एजेस हैं उनको एक प्रोफाइल बना देते हैं। उस प्रोफाइल में सेलेक्ट करते हैं हम कौन सा मटेरियल लेना है हमें, वो मटेरियल और उसका डेप्थ और विड्थ क्या होगी वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद और सेलेक्ट करते हैं कि उस सेंटर से लें, बस क्लिक करने के बाद जितनी भी हमारे एजेस हैं उस पर एक प्रोफाइल बन जाती है। लैटिस लाइक प्रोफाइल बोल सकते हैं, लैटिस बोल सकते हैं, बैटन जो भी बोल सकते हैं, ये उडन मटेरियल होगा या फिर आयरन भी हो सकता है। तो जैसे हमने इसमें लेफ्ट साइड सेलेक्ट किया था तो ऊपर का बैटन बैक साइड हो गया था। अभी सेकंड में हमने सेंटर लिया है, अब फिर से एजेस को सेलेक्ट किया, फिर से ओके किया तो ये प्रोफाइल तैयार हो गई चारों तरफ की। अब ये साइड में थोड़ा सा एरर है, उसको ठीक करेंगे हम लोग। यह एक ग्रुप क्रिएट हो गया है तो हम उनको हर लैटिस के अंदर, हर बैटन के अंदर जा के उसको एडिट करना पड़ेगा, जो पार्ट रह गया है। अब हम इसे पेंट टूल से मिडिल वाले पार्ट को ग्लास और साइड में बैटन्स को वुडन से कलर कर देंगे। जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप इसे कर सकते हैं, आप कलर मैच भी कर सकते हैं पुरानी विंडोज से। कलर करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप में तैयार किया। अलग अलग टैंकर टाइप में इन्हें अलग अलग बोल सकते हैं, स्टाइल बोलते हैं, कहीं पे बैटल बोलते हैं। ये एक तीसरा तरीका है, ये एक बेसिक तरीका है जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं करते प्रॉपर, जैसे हम लोग कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं वैसे ही हर डायमेंशन खुद डाल के, जो भी डायमेंशन आप जो भी डेप्थ आपको चाहिए वो आप सेट कीजिए और उसके हिसाब से आप अपने विंडो को डिजाइन कीजिए। ये एक बेसिक तरीका है जो शुरुआत में हम लोग सीखते हैं, लेकिन हमें एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता।
इसमें अलग से हमको बैटन बनाना पड़ेगा और हर शटर के लिए अलग से फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। ये हमारा 2D लेआउट तैयार हो गया है। इसे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग डेप्थ प्रोवाइड कर सकते हैं कि कितना थिकनेस देनी है, कितनी विड्थ देनी है, शटर को कितनी थिकनेस देनी है, अपने फ्रेम को कितनी थिकनेस देनी है। इसे बैक साइड से भी की भी थिकनेस जो भी देनी है वो दे सकते हैं। उसे पेंट टू से फ्रेम को पेंट करेंगे। जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं। शटर में भी आप पेंट कर सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। ये हमारी विंडो ये अब ये अगला तरीका हम एक्सटेंशन का यूज करेंगे। ये 1001 स्केचअप, आप स्केचअप की 3D वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे फास्ट और इजी तरीका है विंडो बनाने का। हम पहले केट विंडो फ्रेम लेंगे। इसमें डायमेंशन डालेंगे कि विंडो फ्रेम की थिकनेस और विड्थ क्या चाहिए, और बस क्रिएट विंडो फ्रेम पे क्लिक करेंगे और विंडो फ्रेम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये विंडो फ्रेम पे क्लिक किया और विंडो फ्रेम रेडी हो गया। अब हम अंदर का पोर्शन बनाएंगे कि हमें कितना ग्रिड और कितना फ्रेम चाहिए। ये फ्रेम के लिए अलग से पैनल डिवाइडर, ये एक्सटेंशन टूल का नाम है, इस पर क्लिक किए और इसमें हमने डायमेंशन डाली कितने वर्टिकल कॉलम्स चाहिए, कितने हॉरिजॉन्टल रोज चाहिए, और फिर हमने केट विंडो फ्रेम पे क्लिक किया। ये हमारी विंडो प्रिपेयर है। ये सबसे फास्ट मेथड है विंडो बनाने का। आप देख सकते हैं ये एक्चुअली ये ग्रुप में तैयार होता है, तो हम इसे
पापा ना होते हैं। एडिट करके इसे में हम पेंट डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, विंडो पे ग्लास चाहिए। आपका चाबी कहाँ है? उनसे पूछे रुचि तो हमारे तो वही डाले हैं ना, ब्लैंक वही कौन जात है।